श्री यंत्र एक पवित्र और शक्तिशाली यंत्र माना जाता है, जिसे सुख शांति समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है और इसे साधना और पूजा में विशेष स्थान प्राप्त है। श्री यंत्र 9 त्रिकोणों से बना होता है जो केंद्र में मिलते हैं और इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसकी नियमित पूजा से मन की शांति और घर में सुख समृद्धि आती है। इसे घर, कार्यस्थल या पूजा स्थल में स्थापित करने से सकारात्मक प्रभाव महसूस किया जा सकता है। वहीं इसके लाभ तभी मिल सकते हैं जब इसे सही दिन, सही समय पर और पूरे विधि विधान से स्थापित किया जाए। श्री यंत्र को शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाए तो वो ज्यादा फलदायी होता है, जैसे शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन या फिर दिवाली का दिन। इसे सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध पानी से स्नान करवाएं। एक स्वच्छ लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री यंत्र रखें। यंत्र की चारों ओर चंदन फूल, अक्षत और धूप रखें। फिर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और श्री यंत्र पर कुमकुम और अक्षत लगाएं। गाय के घी का दीपक जला के यंत्र की आरती करें। यंत्र होता है वो सभी यंत्रों का राजा माना जाता है, पर स्फटिक का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसका जो है सुबह 5:40 से जो है श्री सूक्तम का पाठ करते हुए उसको नियमित करते रहेंगे तो आप को उसका जो है महत्व भी समझ आएगा और उसका बेनिफिट भी नजर आएगा। मन की शांति सबसे पहले, फिर धन, तन और मन से आप और धन से सुरक्षित हो जाते हैं। श्री यंत्र का यही महत्व है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि बच्चे, जैसे लोगों के बच्चे जब खो जाते हैं 15 साल तो उसमें डायरेक्शन का क्या रोल है? वास्तु में जो होता है SSW की जो डायरेक्शन होती है उसमें कभी ना तो अपने बच्चों की फोटो, खिलौने, कपड़े, बुक्स इस जोन में कभी भी ना रखें। अक्सर क्या होता है बच्चे खो जाने का डर हमेशा बना रहता है। 220 से 240 डिग्री के जोन में जो है इस साइड में बच्चों का कोई भी सामान ना रखें। उदित तिथि का मानते हैं ना मेन। तो उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।